And the major partner in this is the central government, sir, the nodal person who has to fulfill these. Consider this after 10 years also. There are a lot of these issues. Made known to me, it shows their culture. नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्तपंत और मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत केवलिया। संसद में बजट सत्र इस वक्त चल रहा है और संसद में कई सारे मुद्दे इस वक्त उठाए जा रहे हैं और गौतम अडानी को लेकर लगातार हंगामा संसद में मचा था। लेकिन आज हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा इस बात को लेकर है, टीएमसी की एक सांसद है महुआ मोइत्रा, जिन्होंने कल संसद में अपना भाषण दिया और संसद में उसी दौरान खूब हंगामा हुआ। क्या उन्होंने ऐसा कह दिया था, क्या महुआ मोइत्रा ने ऐसा कहा जिसकी वजह से हंगामा मच गया और सदन में बैठे तमाम ऐसे सांसदों ने उनको वहां पर रोका। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब वो बाहर निकली, जब पत्रकारों से उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वहां पर, क्या वो भाषा ठीक है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी कि उन्होंने जो कहा उस पर कोई पछतावा उनको नहीं था। हेमंत से मैं ज्यादा अपडेट इस पर जानना समझना चाहता हूं कि क्या कुछ कल हुआ था, क्या उन्होंने कहा था टीएमसी की सांसद ने, और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो क्या वो अपने बयान पर कायम थी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमने कल देखा शंकर, क्योंकि जाहिर सी बात है संसद के अंदर कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब कोई भी सांसद खड़े होकर भाषण देता है तो वो अपने शब्दों का जो इस्तेमाल करता है वो संसदीय शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। यही जिक्र दरअसल सदन पर जो बैठे हुए थे पीठासीन जो थे उन्होंने भी इसी बात को लेकर आपत्ति जाहिर की और तमाम जो बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी के जो लोग वहां पर मौजूद थे संसद के अंदर, सदन के अंदर, उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की। क्योंकि चर्चा चल रही थी अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा था, बीजेपी के सांसद इसी को लेकर उनके सामने आकर उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। ये एक स्थिति वहां पर थी जब उन्होंने अपना भाषण पूरा बोल लिया और बोलने के बाद जब वापस वो बैठ गई, बैठने के बाद भी उन पर हुटिंग हो रही थी और इसी का जिक्र वो आज मीडिया के सामने वो कर रही थी कि बीजेपी के जो लोग हैं मुझे किस तरीके से संसद के अंदर बातें रखनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या एटिकेट्स होने चाहिए एक सांसद के, ये मुझे वो ना बताएं। क्योंकि उन्होंने उसी भाषा का इस्तेमाल हालांकि नहीं किया लेकिन उन्होंने यही जरूर कहा, जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बताऊं, लेकिन जो कल हुआ था वो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था और उसको लेकर जब मीडिया ने आज उनसे पूछा है कि आपने ऐसा किया और उस पर आप पर कार्रवाई की जाएगी या फिर जो भी होगा, तो उनका जवाब कुछ इस तरीके से था। वो थोड़ा सा हम दर्शकों तक अपना बता दें कि जो जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मैं शॉक्ड हूँ, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि बीजेपी मुझे टीच कर रही है, बीजेपी इज टीचिंग अस पार्लियामेंट्री एटिकेट, ये जिक्र उन्होंने किया। और उन्होंने आगे कहा कि आई विल कॉल एन एप्पल नॉट एन ऑरेंज, यानी कि जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया उस शब्द को लेकर उन्होंने कहा है कि जो जैसा है मैं उसके लिए वही तो बोलूंगी। अगर उन्होंने जो जिक्र अभी मीडिया के सामने किया है कि आई विल कॉल एन एप्पल नॉट एन ऑरेंज, यानी कि एप्पल को एप्पल ही कहा जाएगा, ऑरेंज तो कहा नहीं जाएगा, तो ये एक और बयान उनका निकलकर सामने आ गया जो मुझे लगता है कि अब एक और जो उनके लिए शायद बैकफायर करे। टीएमसी के तमाम जो सांसद हैं, चाहे खुद ममता बनर्जी क्यों ना हो, उनको भी इस पर सफाई देनी पड़ जाएगी। क्योंकि महुआ मोइत्रा का अगर जिक्र करते हैं शंकर, तो कई मर्तबा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और कई मर्तबा उनके बयानों को लेकर व्यक्तिगत बयान टीएमसी पार्टी जो है बता देती है, लेकिन एक तरफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहती हैं जो मुझे जवाब देना होगा। अब इसमें सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि भाई एप्पल को एप्पल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो उन्होंने अपने मन में ये धारणा बना रखी है किसी के लिए, बिल्कुल, तो ये जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने मन में धारणा बनानी की वो व्यक्ति उसी तरह का हो। नहीं, बवाल बिल्कुल बिल्कुल वही, क्योंकि किसी को आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं, आप एक सांसद हैं, आप जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, टीएमसी से आप आती हैं और ममता बनर्जी तो लगातार कई दफा आपने देखा भी होगा केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहती है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा संसद के अंदर, आपने कल भी देखा होगा जब पूरी कार्रवाई चल रही थी तो जो पीठासीन थे, जो कुर्सी पर बैठे हुए थे, जो उनको होस्ट कर रहे थे, जो उनको हैंडल कर रहे थे, अमूमन ऐसा होता है हम बड़े ही बेबस देखते हैं जो सीट पर बैठा हुआ होता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो का जिक्र कर लें, लोकसभा के स्पीकर हो, सदस्य हो, अध्यक्ष हो, तो वो बड़े ही
असहज हो जाते हैं जब इस तरीके का माहौल बनता है। कई बार उन्होंने शांत करने का प्रयास किया कि बीजेपी के सांसद जो है वो शांत हो जाए, हंगामा ना करें, क्योंकि जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस शब्द को कई बार बीजेपी के सांसदों ने वहां पर बोला है। बीजेपी के सांसद कई बार बोलते रहे कि एक बुजुर्ग को ये किस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल कर रही है, तो वो चीजें बार बार सदन के अंदर होती रही और उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है जो जिक्र उन्होंने किया। लेकिन उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री का अगर मैं जिक्र करूं, प्रहलाद जोशी का अगर जिक्र करूं, तो उस तक ये मामला गया तो प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि सदन अगर चाहता है कि इस शब्द पर वो माफी मांगे तो उनको माफी मांगनी चाहिए, अगर ये माफी नहीं मांग रही है तो ये अपना कल्चर बता रही है। ये जिक्र प्रहलाद जोशी ने भी कर दिया। तो ये स्थिति बनी हुई थी कि एक तरफ कमेटी बनेगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी टीएमसी सांसद के खिलाफ, और दूसरी तरफ जब उनसे ये मीडिया पूछता है तो वो कह देती हैं कि मैं एप्पल को एप्पल नहीं कहूंगी तो मैं क्या ऑरेंज कहूंगी, यानी कि वो अपने बयान पर कायम है जो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। देखिए कार्रवाई होगी नहीं होगी वो आगे की बात है, लेकिन मुश्किलें बढ़ा दी हैं टीएमसी का आपको लगता है, क्योंकि इलेक्शन भी है और जाहिर है मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, और इस तरीके के बयान जब आ जाते हैं सामने तो छवि न केवल सांसद की खराब होती है बल्कि छवि पार्टी की भी खराब होती है, और जब खुद संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि आपने अपने कल्चर को बताया है ये कहकर, तो इट मीन्स कि वो सीधा टारगेट पार्टी हो गई है और ममता बनर्जी हो गई है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि अडानी को लेकर केंद्र सरकार का विरोध करना एक अलग मैटर है, लेकिन आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाती है कि जनता में मैसेज आपको लेकर क्या जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो ना करें। लेकिन हेमंत, मैंने देखा है कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे जनप्रतिनिधि सांसद विधायक कर रहे हों। रैलियों में हमने जरूर देखा है, चुनाव के वक्त हमने जरूर देखा, लेकिन संसद में मैंने बहुत कम ऐसे देखा है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, और उसके बाद मीडिया जब पूछती है उस पर सफाई मांगती है तो उसको ये कहना कि भाई मैंने जो कहा वो ठीक था, मैं एप्पल को एप्पल नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी, तो ये तो जाहिर है, यानी कि वो अपने बयान पे कायम है और उन्होंने साफ तौर पर कहा जो मैंने कहा है उससे मुझे कहीं कोई खेद नहीं है, मुझे जवाब देना होगा तो मैं जवाब भी दे। राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि संसद में भी मर्यादा नहीं। बिल्कुल वही स्थिति है, यही वजह है कि उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो उसके बाद भी वो यही कहती है कि मैंने जो कहा है वो ठीक कहा है और जो है वो मैंने बताया है। तो कुछ इस तरीके की स्थितियां बन गई हैं। अडानी का विरोध करना अलग बात है, केंद्र सरकार का विरोध करना अलग बात है, नीतियों का विरोध करना अलग बात है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल क्या किया जाए संसद के अंदर और फिर उस पर आप कायम रहें बने रहें, ये शर्मा। ये देखना होगा कि क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन भाषा को लेकर आपत्ति है न सिर्फ वहां पर बैठे सांसदों को, तमाम ऐसे सांसद खासतौर पर बीजेपी के तमाम सांसदों ने भी इस पर आपत्ति जताई और सवाल उनसे पूछा कि क्या एक सांसद को, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। जब मीडिया ने उनसे बाहर पूछा, हो सकता है कि उस वक्त उनकी जबान फिसल गई हो, हो सकता है कि वो बाहर आके माफी मांग लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक था और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं करूंगी, एक तरह से उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं। तो अब देखना होगा ये टीएमसी की मुश्किलें कितनी बढ़ाता है आने वाले दिनों में। जाहिर है पार्टी को इसका जवाब देना होगा क्योंकि मुद्दा बड़ा हो गया है, अडानी से शुरू हुआ ये मुद्दा इस स्तर पर पहुंच गया है कि भाषा की जो मर्यादा है वो संसद में भी सांसदों को समझ में नहीं आ रही है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर होता है कहीं पर उसका कोई भी समर्थन नहीं करता है, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने बयान दिया उससे निश्चित तौर पर हो सकता है आने वाले दिनों में पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करे और पार्टी को जवाब देना भारी पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी तो बार बार यही कह रही है कि यही इनकी सोच है, इसी तरह की सोच के चलते इन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे और हेमंत को दीजिए इजाजत, नमस्कार। And the major partner in this is the central government, sir. The nodal person who has to fulfill these. And if you consider this after 10 years also, there are a lot of these issues. Then made known to me, it shows their culture.